नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। कश्मीरी शख्स ने कहा, 20 साल से लखनऊ में हूँ, ऐसा पहली बार हुआ। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मारपीट का शिकार हुए मोहम्मद अफजाल और अब्दुल सलाम ने उस दिन अपने साथ हुई वारदात की कहानी बयान की है। उनका कहना है कि वह 20 साल से लखनऊ में रह रहे हैं, लेकिन कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि उनके पैसे मार्केट में फंसे होने के कारण वह फिलहाल वापस नहीं जाएंगे। बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हमले के बाद से देश भर में कश्मीरियों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई थी। पीड़ित शख्स ने बताया, मैं 20 साल से लखनऊ में रहता हूं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, आज मेरे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, पुलिस ने कार्यवाही की है और कहा है कि आरोपियों को पकड़ लिया है, पुलिस ने उन्हें सुरक्षा का पूरा आश्वासन भी दिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि लखनऊ के डालीगंज पुल के किनारे ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले एक शख्स को कुछ लोग कश्मीरी बताकर मारपीट कर रहे हैं। यह भी पढ़े, लखनऊ में ड्राई फ्रूट्स बेच रहे कश्मीरी शख्स को भगवाधारियों ने पीटा, आरोपी गिरफ्तार। क्या हुआ उस दिन? शख्स ने उस दिन की घटना याद करते हुए बताया है, लोग आए और कहने लगे कि तुम लोग आतंकवादी हो, यहाँ आतंकवादी भेजते हो और वहाँ पत्थर फेंकते हो। वे मारपीट करने लगे और आधार मांगने लगे। उन्होंने बताया कि मारपीट के दौरान उन्हें दो लोगों ने बचाया। उन्होंने मारपीट करने वालों को समझाया कि यह पुलिस का काम है। उन्होंने बताया, मुझे उन दो लोगों ने बचा लिया, वे दोनों पुलिस से पहले ही आ गए थे। यह भी पढ़े, कश्मीरी मारपीट मामला, चार आरोपी गिरफ्तार, हिंदूवादी संगठन से जुड़े थे। अभी वापस नहीं जाऊंगा। पीड़ित शख्स का कहना है कि वह अभी वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया, लखनऊ में मेरा कुछ माल बचा है, कुछ पर उधार भी बाकी है, मार्केट में पैसा भी लगा है, पैसा समेट कर जाऊंगा। उन्होंने कहा है कि पुलिस की कार्यवाही से अच्छा लगा। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने उनसे अपनी दुकान वहीं लगाने के लिए कहा है।